हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, एसओएल की वेबसाइट पे एक नया नोटिफिकेशन आया पड़ा है थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को लेके, कि जिन बच्चों ने थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है उनके लिए नोटिफिकेशन है और ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो क्या बताया गया है पूरे नोटिफिकेशन में बता देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, 2 तारीख का नोटिफिकेशन है और ये सब्जेक्ट है, क्या क्या बताया गया है इसमें दोस्तों। तो स्टार्टिंग में लिखा है फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म बाय द स्टूडेंट फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन्थ सेमेस्टर उनके लिए नोटिफिकेशन है। तो वैसे अपने एसएल के स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर वाले जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्स इंक्लूडिंग, ठीक है, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और अब NCVAP और SOL वाले, ये NCVAP और SOL वाले दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं अलॉन्ग विद द ER, यानी इम्प्रूवमेंट केस और ER वाले और एक्स स्टूडेंट वाले, इनके लिए नोटिफिकेशन है जिनके एग्ज़ाम 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो अब नीचे आ जाते हैं अब इस सेकंड पैराग्राफ में। तो इस सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है, तो दोस्तों ये मेन पैराग्राफ है, तो इसमें क्या क्या बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और किसी कारणवश वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है, तो यानी ओबियसली सीधी सी बात है कि जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, ठीक है, जिनका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों अब उनके एग्ज़ाम भी दिसंबर में स्टार्ट होने वाले हैं, जो थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो दिसंबर में स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब इन्होंने क्या बताया है कि इन ऑर्डर दैट सच स्टूडेंट डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, तो वो स्टूडेंट इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें अपेयर इन द एग्ज़ामिनेशन, जो एग्ज़ामिनेशन में शामिल होने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने आगे क्या बताया है, तो इन्होंने आगे बताया है कि जो बच्चे रीचेकिंग के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, यानी इवन सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, यानी जो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है बट अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो बच्चे थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, तो वो बच्चे इस थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रखा है अपने असाइनमेंट बेस एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है दोस्तों। यानी जो सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट बेस था, तो सर का असाइनमेंट बेस हुए थे आपके एग्ज़ामिनेशन, ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए है, तो वो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, यानी थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट 3 तारीख से अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आगे क्या बताया गया है, इट मे बी द नोटेड द रिजल्ट हु अबव स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर एज पर द प्रमोशंस रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी दोस्तों रूल्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, ठीक है, यानी रूल्स के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो वो बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है, तो वो इस वेबसाइट पे अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, तो इस वेबसाइट से आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है, और अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों क्या बताया गया है नीचे इस नोटिफिकेशन में, तो इसमें बताया गया है दोस्तों, इट मे बी द नोटेड द फ्यूचर एग्जामिनेशन नॉट फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म विल जनरेटेड डिटेल, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आगे फ्यूचर में एक्सटेंशन नहीं हो सकती डेट, ठीक है, तो अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है, आगे की मत सोचिएगा कि आगे डेट बढ़ जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है, तो वो मत सोचिएगा। फिर और लास्ट में नोट दे रखा है, नोटेड में क्या बता रखा है, तो फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इन द मैंडेटरी फॉर ईच स्टूडेंट, यानी सभी स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि जिन बच्चों ने रीचेकिंग के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रखा है, ठीक है, यानी जो बच्चे रीचेकिंग के लिए ऑप्शन आया था, जिनका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, तो उन स्टूडेंट को रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, यानी बहुत से बच्चों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था कि मेरे नंबर कम है या मेरी एब्सेंट दिखा रहे हैं, फेल दिखा रहे हैं, तो ऐसा करके कुछ था। तो जिन बच्चों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है बट उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो भी बच्चे थर्ड सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑड सेमेस्टर के लिए, ठीक है, ऑड मतलब थर्ड सेमेस्टर और इवन मतलब सेकंड सेमेस्टर, ठीक है दोस्तों। तो ये इवन सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया है जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो ऑड इवन थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं 3 तारीख से, ठीक है, तो बस ये जानकारी दे रखिए दोस्तों। और आगे कोई अदर जानकारी आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।